अब चंद्रशेखर कितना सीट उसको मिल रहा है, कितना जयंत को मिल रहा है, ये तो पार्टी हमसे अगर मीटिंग में बैठाते तो मैं आपको इशारा कर देता। तो हमको मीटिंग में बुला, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, वो तो बहुत छोटा आदमी, हमको काहे के लिए पूछेगा। तब मैं कह सकता था कि भाई 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 3 मिलेगा, लेकिन अब मुझे कुछ पता ही नहीं, तो उसमें टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा नहीं। दलितों का तो मैं ये कहता हूँ ना, दलित टू मच पॉलिटिक्स हो गया है। जिसको यहाँ जितने हॉल में बैठे हुए हैं उन सब लोगों से पूछिए कि क्या करना है, तो सब बोले कि मुझे विधायक बनना है, सांसद बनना है। अरे लिमिटेड सीट है ना, दलित एजेंडा क्या हो ये कहीं नहीं दिख रहा है। सब एकदम पीएम सीएम बनने के लिए एकदम पागल हुआ पड़ा है। तो कैबिनेट में कौन बैठेगा? फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं, डिफेंस मिनिस्टर कौन होंगे, फॉरेन मिनिस्टर कौन होंगे? कुछ लायक ढंग का आदमी पहले बनाओ कि नहीं बनाओ। ये खाली एक आदमी से देश थोड़ी चलता है, उसके साथ पूरी मशीनरी काम करती है ना, मशीनरी काम करती है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि देश में दलित एजेंडा सेट होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान। उसके अरबों खरबों रुपए डिफरेंट मंत्रालयों को मिलते हैं, मैं डेटा दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में है अभी। वो पैसा कहाँ जाता है? नहीं जाता है। किसी दलित को कोई इंटरेस्ट है? किसी नेता का कोई इंटरेस्ट है? फ्रीशिप खत्म हो गया, स्कॉलरशिप खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गई है, सारे सरकारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। किसी दलित एक्टिविस्ट जो जितना सीएम पीएम और एमएलएमपी बनने के लिए घूम रहा है पागल होके, किसी को कोई आइडिया है? मैं दिखा सकता हूं ना कितने अरब खरब रुपए 1977-78 में शेड्यूल ट्राइब इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। तो दलितों को सिर्फ सबको गाली देने के अलावा चिंतन मनन करना, डायलॉग करना, मेमोरेंडम लिखना, मिलना जुलना, ये कोई काम नहीं। खाली जब तुम संसद पे कब्जा कर लोगे उसी दिन सब समस्या का समाधान हो जाएगा कि ये प्रोसेस में आपका मिडिल क्लास श्रिंकेज हो रहा है, सिकुड़ रहा है मिडिल क्लास। 10-15 साल बाद जो सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी ना, तो जितने पार्टी संगठन वाले घूम रहे हैं उनको चंदा भी ना मिलेंगे, और लड़कियों की शादी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं रहेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है? सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है ना पूरा सिकुड़ गए। उस पर कोई विमर्श सुना है आपने? आप में से किसी ने अगर सुना हो कि सोशल जस्टिस का क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा, हमारे बच्चे, ये जहां हम बैठे हुए हैं ये स्कूल था पहले और स्कूल बंद हो गया है। इतने एसपी डीएम घूम रहे हैं पूरे, ये इतना जमीन है, मकान है, दलित एक स्कूल नहीं चला पाए कि सबको सीएम पीएम डीएम बनना है? तो हम बन जाएंगे या हम मर जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट तो स्कूल से पैदा होगा ना लीडर्स। कोई एजेंडा पे को मैं कहीं जाता हूं, किसी विमर्श किसी सेमिनार में आपने सुना है कि दलित छात्रों का भविष्य क्या होगा, उसके फेलोशिप का क्या होगा? ये जो बड़े बड़े मिडिल क्लास बन गए ना, सिकुड़ रहे हैं अपने आप में कि मेरा क्या है, मेरे बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिए। तो पहले तो नीचे से शुरू होगा, बाद में आपके गले भी दबोचे जाएंगे। कोई यहाँ पे आईएएस अफसर सीनियर है जाकर पूछो सम्मान के साथ नौकरी कर पा रहा है क्या? कर रहा है कोई? सम्मान से जो नौकरी कर रहा है उसको कीमत चुकानी पड़ रही है, पड़ रही है नहीं पड़ रही है? तो नो, आपके जॉब एजेंडा में आर्थिक भागीदारी क्या हो इस देश में, इस पर कोई है विमर्श कहीं? एजुकेशन क्या हो, हेल्थ क्या हो, विदेश जाने का स्कॉलरशिप है? कितना यूपी में बैठा हूँ और यहाँ 2 लाख से ज़्यादा जिसके पारिवारिक इनकम है उसके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, लोग बता देंगे नहीं मिल रहा है? 2 लाख रुपये का मतलब क्या हुआ? 16,000 रुपये पर मंथ जो कमा रहा है उसके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है? हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो 30-40 रुपया स्कूल में आता था बटने ब्लॉक से, ठीक है जी, और यहाँ पे 16,000 महीना कमा उसके बच्चों को कोई एजेंडा में है? अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इनके बेटा का एडमिशन है, बेटी का एडमिशन हो जाए, ये पढ़ा पाएंगे 1.5 करोड़ रुपया देखे? कोई पढ़ा पाएगा यहाँ 1.5 करोड़ देखे? ये दलित मिडिल क्लास, ये दलित पोलिटिकल क्लास के एजेंडा में क्यों नहीं? तो सर आप इन सारी बातों के लिए किसको जिम्मेदार मानते हो? राजनीति समाज भी जिम्मेदार है ना, समाज को भी कह रहा हूँ ना कि ये अब जब नेता आता है मुझे गाली दोगे मुझसे तो बहस कर लोगे, और नेता के पास जाकर सरेंडर कर लोगे, जी माता जी बहन जी पापा जी मेरे ठेका दिला दो, मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग करा दो, ये करोगे ना? वो सवाल पूछोगे नेता से कि ये स्कूल चलवाओ इंग्लिश मीडियम का? व्यक्तिगत काम के लिए नेता के पास जाते हो, सामूहिक काम के लिए नहीं जाते हो। इसलिए बाबा साहब ने अकेले लड़के जितना दिया था इस समाज को, वो धीरे धीरे ये समाज गवा चुका है, गवा रहा है नहीं, गवा चुका है। कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ राजनीति राजनीति। तो इतने तो जाके 131 MP है, जाके बात कर लो ना।
यूपी में इतने यहाँ पे कितने होंगे, करीब 100 होंगे, दलित 80 हैं। तो जाके पूछ लो ना हमसे, हमसे जो सवाल पूछ रहे हो, ये 80 एमएलए बैठा उसे पूछो कि हाउस में कितना दिन बजट पे बहस किए, कितना दिन प्रस्ताव रखे, कितना दिन सवाल पूछे, कितना दिन सड़क पे लोगों को मोबिलाइज किए, पूछो उनसे। बोलने नहीं आता उनको है, तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हो, आप ही लोगों ने वोट देते हो जाके। फिर एजेंडा सेट उनके उनके लीडर्स आते हैं पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में वहाँ एजेंडा सेट होता है, और हमारा जो है ना सब समझता है कि ये प्रोफेसर लोग क्या जानता है, हम ही लोग सब कुछ जानते हैं, तो फिर पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या है। बाबा साहब 15,000 पेज क्यों लिखे, एक भी न रिसर्च टीम है न शोध टीम है कि एजेंडा क्या, हम लोग क्या क्या लागू करेंगे, समाधान क्या है सारी चीजों। मेरे पास कोई समाधान नहीं भाई, यही तो बोले, यही ये आप लोग एजेंडा फैलाओ, सब लोगों को बोलो कि अपने नेताओं से पूछे कि इस चुनाव में तुम हमारे दलित बच्चों को पढ़ने के लिए, उनकी नौकरियों के लिए क्या व्यवस्था करोगे। सब लोग तो एमपी नहीं बन सकता, सब लोग एमएलए नहीं बन सकता, 80 बनेगा ना, 131 ही बनेगा ना, तो बाकी लोग नौकरी करेगा, कुछ व्यवसाय करेगा। बोलो कि जो सरकारी निजीकरण हो रहा है, सरकारी ठेका में हिस्सेदारी दो, हमारे लोगों को भी 5-5, 10-10 करोड़ 50 करोड़ का बिजनेस दो, ये नहीं पूछोगे है भाई। सब कुछ बिक रहा है तो उसमें निजीकरण में हिस्सेदारी मांगोगे कि नहीं मांगोगे, बिजनेस में हिस्सेदारी मांगोगे कि नहीं मांगोगे, डाइवर्सिटी मांगोगे कि नहीं मांगोगे, कि खाली बस राजनीति राजनीति क्यों, फॉर व्हाट। डॉक्टर साहब आकाश आनंद ये कह रहे हैं कि कौन भीम आर्मी कौन चंद्रशेखर, हम छोटे लोगों को नहीं जानते। अब उस पर क्या कहा जाए, बड़े लोग हैं हम लोग, तो छोटे मोटे लोग हैं तो शायद नहीं जानते होंगे, तो उसमें क्या कहा, छोटे लोग से वोट लिया जाता है जरूर, वोट और नोट छोटे लोग ही देते हैं, बड़े लोग तो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और टिकट लेने के लिए बड़े लोग लाइन में होते हैं। बाकी उस पर क्या टिप्पणी करें, वो पॉलिटिकल आदमी है, मैं तो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं, तो वो कह रहे होंगे तो ठीक ही कह रहे हूँ। तो ये सिर्फ चंद्रशेखर और भीम आर्मी या चंद्रशेखर और भीम आर्मी जैसे जो सैकड़ों लोग समाज में काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश की गई है। अब पता नहीं बड़े आदमी का उसमें क्या टिप्पणी किया जाए, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहा है, बाकी लोग ने लड़ रहा है, काम कर रहे हैं सर, दिख तो रहा नहीं है कुछ। अब तो दिखेगा चुनाव में, दिखेगा ना चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें दिखेगा कितना काम किए, उनके पूरे काम करने से कितने लोगों ने वोट दिया, कितने सांसद जीते, तो चुनाव में दिखेगा। तो वो तो सवाल उनसे पूछिएगा था ज़्यादा बढ़िया, हम लोग छोटा मोटा लोग हैं, हम लोग को कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, पढ़ना पढ़ाना लिखना बोलना यही काम है। तो हो सकता है वो ठीक कह रहे हो, किसी को ना जानते हो, मेरा कहीं ना कहीं आकाश आनंद की जो जवान है उसमें अहंकार दिख रहा है। क्या कहा है, चलिए नोट कमेंट्स पे, अभी उम्र अभी थोड़ा सा और मैच्योर होंगे पॉलिटिक्स में ना, तो चूंकि उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाना है, नहीं भी लड़ना है तो अपने पार्टी के लिए वोट मांगना है, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड, पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज नीडेड। पार्टी वाला बताएगा ना, पार्टी वाला बताएगा, अभी चुनाव का क्या दलितों का एजेंडा हो इस पर बात कीजिए, इस पर हम बात करेंगे।